दो दिन मम्मी को तुम भी बोलेगा रोटी देना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता। जोहार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप जो लोग जो बोलते हो ना, कैसे ससुराल में शादी कर ली है, कैसे ससुराल में शादी करी, एक्चुअली मैं ससुराल देख के नहीं आई हूँ। मेरे पापा ने भी ससुराल देख के शादी नहीं दिया है, सिर्फ दामाद देख के दिया है। और जो आप लोग के सामने डेली फेस करते हैं, आप देखते ही हो कितने अच्छे हैं। तो होता है ना कि पाँच उंगलियाँ एक समान नहीं रहती, हमें भी थोड़ा संयम रखना चाहिए और धीरज रखना चाहिए। लोग कुछ भी कहे, कुछ भी करे, अपने जो ये इस मुँह से ही सब कुछ निकलते, इसी में राम है, इसी में रहीम है, इसी में सब कुछ है। आप जैसे इस्तेमाल करोगे वैसे मिलेगा। तो हमारे पतिदेव जी अभी तैयार हो रहे हैं, नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में दिखा रही हूँ, जिसके चलते ये मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। दो दिन मम्मी को तुम भी बोलेगा रोटी देना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। हम काम से थक गया, भी मालूम आप बार बार वही चीज बार बार बोलते हो। अरे तो साहब पूछो मम्मी को क्या बोलेगा, पुलिस को रिपोर्ट देता तो उसको देता, पुलिस को रिपोर्ट देता है कि नहीं देता। सोळा जून खाली होते आधी होत नाही, सोळा जून सोळा जून खाली होते त्याच्या आधी होत नाही। सोळा जून देखा दोस्तों आप लोगों ने कि हमारा मालक कैसा है। हम लोग घर घुसे, डबकी लेके, कोई नहीं है हमारा मालक, तो सिर्फ ऊपर वाला है। डबकी लेके घुसे और डबकी हाथ में ही था पानी का। सुबह हम लोग निकलते हैं, शाम को आते हैं, पानी तक यूज नहीं करते, यहीं से नहा धो के कपड़ा खींच के जाते हैं। मम्मी यूज करती है पानी, क्योंकि पेशेंट है तो उसको तो करना, साफ सफाई जितना होता है वो रखती, लेकिन वो लेटरिन बाथरूम वो कपड़े में करती है। अब मरीज कैसे करेगा बताइए, इतना तो समझदार हूँ। हम सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं मकान मालिक को, 5,500 किराया है, पानी का बिल अलग देते हैं, बिजली का बिल अलग देते हैं। बताइए कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग। और अभी घर छोड़ेंगे 2 महीने के लिए, तो फिर जितना सामान है शिफ्ट करने में कितना पैसा लगेगा। इसीलिए हम लोग बोले 2 महीने करके, कैसे भी करके रिक्वेस्ट करके पैर पकड़ के बोले रहने दीजिए, लेकिन देखिए कैसे व्यवहार करें, इन लोगों को क्या करें। ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों। आज मैं चावल नहीं खाई हूँ, और चावल मुझे अच्छा लगता खाने में, तो हमारे गणेश जी क्या किया, आज चावल मैं सुबह सुबह बनाई नहीं, बहुत लेट हो गया। तो गणेश जी अभी क्या कर रहे दिखाऊं, ये देखो क्या कर रहे हैं जी, क्या ढोली चावल अभी लक्ष्मी को बनाई। किसके लिए, किसके फरमाइश पर, मैंने तो नहीं कहा, बोला थोड़ी खा ली। अच्छा, तो हमारे गणेश जी बना रहे चावल स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि इनको पता है कि मैं चावल मुझे पसंद है। ये अपना इंडक्शन जो है ये भी तो इसलिए हम कभी कुछ बना सकते जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों हम अपने प्लाट पर सुबह सुबह आ चुके, और इधर से मेरी धर्म पत्नी फटाफट लड्डू खाती जा रही, 2 लड्डू हाथ में। और एक्चुअली उस दिन में डब्बा भर के लड्डू दिए थे, जिसमें अभी एक ही बच्चा देख सकते, और पूरे के पूरे डब्बा भर लड्डू खा गए। आप ला देते हो, मैं खा लेती हूँ। एक्चुअली क्या था, मीठा नहीं खाना चाहिए, और पहले तो आपको मीठा पसंद नहीं था, तो फिर अभी लड्डू लड्डू क्यों दबा रहे हैं। क्योंकि मुझे खूब मीठा खाने का, जैसे लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला, बहुत खाने। पहले दोस्तों पहले ये मीठा बिल्कुल नहीं खाता, और अभी मैं देखा हूँ मतलब 2-3 महीने से मीठा 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 जलेबी लड्डू कुछ ना कुछ, पानीपुरी पानीपुरी ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा ही खा रही।
मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत शायद बेबी आने की खुशी में। जल्दी जल्दी खाओ वो लड्डू, अब एक लास्ट लड्डू इसमें बचा है, ये आपको नहीं मिलेगा, ये मैं खाऊंगा, ठीक है।